जैसे मैं मानता हूँ कि जो जिस पोजीशन पर मैं खड़ा हूँ इस मुकाम पर, मैं मानता हूँ कि ये गॉड गिफ्ट है, क्योंकि मेरे में ऐसी कोई गिफ्ट नहीं थी कि मैं हमारे दर्शकों के सामने पेश कर सकूँ, तो उन्होंने कुछ डाल दिया है मुझ में, लेकिन कभी वो स्वयं प्रकट होकर उन्होंने मुझसे ये कन्फर्म नहीं किया। जैसे आपका जिस समय में जन्म हुआ जी, और उस जन्म में जो आपके सितारे ग्रह नक्षत्र ऐसे थे कि वो नक्षत्र पर आप इस कीर्ति नाम पर जाने का आपका योग था, वो जन्म कुंडली में लिखित था आपके, ब्रह्म लिखी जैसे बोलते हैं। तो जब आपको ये सब चीज़ें पता हैं, सुना आपके 9 बच्चे हैं? 8। 8 पंडित जी, आपको इतना समय मिल कैसे जाता है? तो ये जब आपने इन बच्चों की प्लानिंग की, हाँ, तो आपने ये वो समय वगैरह डिसाइड करके के 9 महीने बाद जब सूरज यहाँ से निकलेगा और चंद्रमा यहाँ पे डूबेगा, स्वतंत्र कुंडली का खुद के भाग्य का प्लानिंग पता नहीं चलता। देखो ये गलत बात है, ये गलत बात है। पंडित जी, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ये संसार का हम देखेंगे, वो कुछ वरदान होता है, कुछ योग होता है ऐसा कि आप खुद का भविष्य अपना बता नहीं सकते। लेकिन आप इनके ऊपर तो कर सकते हैं। अवश्य। क्या लगता है, क्या जीतेंगी, कितना जीतेंगी, कौन से प्रश्न आएंगे और कौन से परसेंटेज पे लगाएंगे? अरे आपके पास है वो? नहीं, थोड़ा बाल ऊपर करो आप। बाल, अरे बाल खराब हो गए। माता ऐसा करो, ऐसा ये पापंड ऊपर। हाँ, अभी नाक में से हवा किधर है? नाक में से हवा किधर है? लेफ्ट या राइट? सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ऐसा देखिए। पंडित, राइट से है। राइट से है। सूर्य नाड़ी है। सूर्य नाड़ी। हाँ, अभी एज क्या है पंडित जी? मेरी एज बहुत कंट्रोवर्शियल है, तो आप खुद ही एस्टिमेट लगा लीजिए, क्या लगता है आपको मेरी एज क्या होगी? नहीं, किसी न्यूज़पेपर ने भी छापा है कि 32 साल की लगती है। 32 साल की हूँ मैं, झूठ बोलती फिरती हूँ मैं, 22 साल की हूँ, लेकिन नहीं है, 24 वर्ष है इसका। 24?24 का अंत एंड तक आया इनका लक्षण दिख रहा है। पंडित, जहाँ तक मेरे माँ बाप को नॉलेज है वो इतना ही है। नहीं, क्योंकि मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो आप मुझे बताइए क्या क्या है इनका स्वभाव। स्वभाव जो है बहुत जिद्दी, हट्टी और गुप्त घमंडी है ये। गुप्त घमंडी? गुप्त अलग है, हाँ, और घमंडी अलग है। नहीं, मैं दुनिया को नहीं दिखाती हूँ, लेकिन मैं घमंडी हूँ अंदर से। और ये किसी के ऊपर विश्वास करने का लक्षण नहीं है, जब तक फर्क नहीं करेगी। अच्छी बात है। हाँ, तो अभी इसके योग से इसका जो कला का योगदान है जी, एकदम सर्वश्रेष्ठ जाने का नहीं है जी। 2010-14 जनवरी संक्रांत के बाद इसका टाइम अच्छा है, मतलब शादी होकर सेटल आउट हो जाएंगी ये? नहीं, काम में। अच्छा, काम में। हाँ, और इसको कला के स्वरूप में प्रजा भी और कला क्षेत्र के भी लोग प्रसन्न होंगे। अरे वाह, तालियां। लेकिन इन्होंने अभी तक 5 पिक्चरें की हैं, तो इनकी बहुत तारीफ हुई इन पिक्चरों में। तारीफ होकर उस हिसाब से भाग्य और जो कला में प्रतिष्ठा चाहिए वो योग नहीं आया। नहीं आया, आएगा। लेकिन हाँ, समय किसी का तुरंत होता है जी, किसी का पहली चित्र से ही नाम भयंकर हो जाता है, जैसे कि मेरा। हाँ, और 36 वर्ष तक काम करेगी। 36 उम्र तक? उम्र मतलब 4 साल बाकी है आपके पास। 4 प्रेस के हिसाब से तो 4 साल के, प्रेस ने इनको 32 का बना दिया, हिसाब से 12 साल है। पंडित जी, आप मुझे इनके बारे में बताइए, इनकी शादी कब हो रही है? मैडम, मेरी शादी में बहुत इंटरेस्टेड है बॉस। संसार को चिंता पड़ी है? आपको चिंता पड़ी मेरी शादी की? बोलो, आपको स्पष्ट। अरे बोलो क्या बोलो। इनका है 48, खत्म 49 में। 48 समाप्त, 49 प्रवेश में। जी हाँ, और तो 4-5 साल बाकी है। चित्रकला की कन्या नहीं होगी कि? मतलब फिल्म लाइन की होगी भी तो छुड़वा देंगे, डोंट वरी। वो योग नहीं हो भी नहीं छुड़वा देंगे, वो कोई बिजनेस व्यापार नॉर्थ साइड की होगी। नॉर्थ साइड? अरे आप कहाँ से हैं? इस बात की क्या गारंटी कि मेरी शादी अभी तक हुई नहीं? ये तो पंडित जी, क्या कुछ गारंटी है कि अभी तक शायद छुपा के रखा हूँ मैं? असंभव है, बता नहीं चाहता। जो कुछ आपका योग आया है वो प्रकट हुआ है जी। हाँ,
छुपा कर गुप्त विवाह का योगी नहीं हुआ जी, सब प्रकट हुआ है और विवाह नहीं हुआ, संसार को मालूम है। संसार को ऐसी ऐसी चीजें बताई गई हैं जो कि सच भी नहीं है। नहीं है, वो अपवाय है जी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल बताइए। एक एक व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के बुद्धि के होते हैं जी, कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के, कुछ आपको जानते भी नहीं, आपका परिचय भी नहीं है, कुछ भी बोल देंगे जी। और जो थोड़ा अल्प बुद्धि के होते हैं वो विश्वास करते हैं, बुद्धिशाली विचार करते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये पंडित जी कह रहे हैं। तो आए पंडित जी, आप और कंगना खेलते हैं क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड। अब इस राउंड के रूल्स गौर से सुनना, दोबारा मत पूछना पंडित जी। आपको इन्हें नॉकआउट करना है और आपको पंडित जी को नॉकआउट करना है। आपसे पूछे जाएंगे 5 सवाल जी, जिसके जो जवाब हैं वो हमारे इस LGLCDTVO में छिपे हुए हैं। ये बेस्ट ऑफ 5 का गेम है, तो जिसने भी पहले 3 प्रश्नों को सही उत्तर दिया वे खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। आप दोनों का पहला प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों को घुंघराले बालों वाली लड़कियां आकर्षक लगती हैं? आपको घुंघरालू बालों वाली लड़की आकर्षक लगती है? 30% व्यक्ति को। अरे आप मत बोलो, ये छाप देंगे आप अंदर। आप, मैं आपसे आपकी राय पूछ रहा हूँ कि आपको सीधे बालों वाली कन्याएं अच्छी लगती हैं या फिर आपको घुंघरालू बाल वाली कन्याएं अच्छी लगती हैं? सीधे बाल। सीधे बाल। अब जस्ट इमेजिन पंडित जी, अगर किसी के बाल पहले घुंघरालू थे तो, जैसे कि इनके बाल पहले घुंघरालू, अगर पहले घुंघरालू देखता बाद में इन्होंने कोई उपचारण किया है सीधे बाल हो गए तो पसंद नहीं आता था ना। ये सही बात है कि पहले बोलते थे कि एक जो चुड़ैल का जो डिस्क्रिप्शन होता था, हाँ वो घुंघरालू बाल वालों के। आपको क्या लगता है? देखिए मुझे लगता है इट्स अबाउट द फेस जी, सिर्फ बालों से कुछ नहीं होता। अगर फेस अच्छा है तो घुंघराले बाल निकोल किडमिन के भी हैं और घुंघराले बाल जैसे आपने कहा किसी वैम के भी हो सकते हैं, यू नो जी। सो फेस पे कैसे सूट करता है वो सब ओवरऑल डिपेंड करता है, लेकिन आई थिंक लड़कों का मेन रहेगा कि लड़की के ये कहीं आप लोग घुंघराले बाल इसलिए तो नहीं करते कि जैसे लड़के ने बालों में उंगली डाली तो अटक ही गया था ना? जाए नहीं, कुछ भी कर ले सर, कुछ भी कर। और इनके बाल तो इतने घुंघरालू थे, इतने नहीं, अभी भी हैं, लेकिन आई वांट टू डिफेंड कर्ली हेयर। और आजकल कंडीशनर चले हैं इतने तरह के, जैसे उपचारण इन्होंने कहा चले हैं, तो बालों में अगर घुंघराले हो भी हाथ डाले तो वो फंसते नहीं है। वो जमाने थोड़ा ना रहे कि जहाँ पे बालों में हाथ डाले और हाथ फंस ही गए बालों के अंदर। अभी तो बहुत एडवांस हो गया सब कुछ। आपके कैसे बाल हैं? घुंघरालू हैं यार? नहीं घुंघरालू नहीं, सीधे बाल हैं आपके। हाँ दिखा दें आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपसे बहुत धन्यवाद है आपके। जी हाँ, तो प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों को घुंघराले बालों वाली लड़कियां आकर्षक लगती है? यहाँ पे मुंबई की ऑडियंस में क्या लगता है आप लोगों को? स्ट्रेट बाल, स्ट्रेट, मतलब के टकली लड़की तो चलेगी नहीं किसी को यहाँ पे। आइए, आपके पास 10 सेकेंड है और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। प्रश्न यह है कि व्हाट अप पंडित जी, अरे 10 सेकेंड है। कंगना जी 40, पंडित जी 44, आए देखे कि हमारे देश के आवाम को कौन से बाल पसंद आते हैं, घुंघराले या सीधे। It's a tie. आप सर कुछ आप पढ़ के आए कुछ? मैं नहीं जीतूंगा तो मैं इनको भी नहीं जीतने दूंगा, कुछ ऐसा तो नहीं है आपका? नहीं 44 में से 44 कहाँ आया? नहीं 44 नहीं है लेकिन 42 आया, इन्होंने 40 पे लगाया है, आपने 44 पर लगाया, आया है 42 पर, तो मतलब कि दोनों 2% की दूरी पर है ना। अच्छा।